गुम है किसी के प्यार में, जहां स्टोर में सवी ईशान पर गिर जाती है तो वहीं उसके बाद ईशान और सवी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और उसके बाद जब सवी स्टोर में साड़ी देख रही होती है तो उसे अपनी माँ यानी सई की साड़ी दिखती है, पर जब वह उसका प्राइस देखती है तो वह उसे लेने से मना कर देती है। और यह सब ईशान देख रहा होता है। सभी को वह साड़ी झूठ बोलकर कि वह साड़ी सेल की है मिल जाती है और ईशान उसके पैसे भर देता है। इसके बाद रीवा की साड़ी के पैसे अक्का साहिब दे रही होती है, पर रीवा के मॉम डैड आ जाते हैं। रीवा की साड़ी पैसे देने से मना करते हैं तो वहाँ पर उनकी नोक झोंक हो जाती है, जहाँ पर ईशान आ जाता है और ईशान बोलता है कि वह अपनी फ्रेंड को गिफ्ट तो दे ही सकता है, जिसके बाद उसके डैड मान जाते हैं। और रीवा की मॉम सभी परिवार वालों को डिनर पर बुलाती है, पर वह सभी को नहीं बुलाती। और रीवा भी ईशान को पैसे जुड़वाते हुए देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो वही घर जाकर रीवा के डैड की उसकी मॉम से बहस हो जाती है कि उन्होंने सभी को नहीं बुलाया, और रीवा बोलती है कि वह सभी को इनवाइट करेगी। तो वही घर जाकर ध्रुव सभी को सुनाने लग जाती है कि अपने पति के पैसों से साड़ी लेकर आई है। तो वही सभी ध्रुवा को बिल दिखती है और उसका मुंह बंद कर देती है, पर ध्रुवा दुकान पर फोन कर सब पता कर लेती है। देखने वाले सीन में है कि अब ध्रुवा क्या तमाशा करने वाले हैं। सीरियल की ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।